हेलो एंटरप्रेनर्स, वेलकम बैक टू TIGITAL डिजिटल खिचड़ी। हाउ मार्केटिंग हैज चेंज ओवर द पीरियड। जी हाँ दोस्तों, आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पहले क्या था, जब मार्केटिंग होता था कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, पर्टिकुलर मार्केटिंग के लिए पर्टिकुलर मार्केटिंग डिपार्टमेंट वहाँ पे अवेलेबल रहता था। वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट क्या करता था, वो मार्केटिंग के लिए स्ट्रेटजी बनाता था, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करता था। सब काम वही डिपार्टमेंट ही करता था। बट आज की तारीख में उसकी डेफिनेशन है, उसमें काफ़ी फेरबदल हुआ, उसमें बदलाव आया है। आज क्या है, आज की तारीख में मार्केटिंग यानी कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे वो मैनेजर हो, जनरल मैनेजर हो, प्यून हो, कोई भी कक्षा का डेजिग्नेशन वाला बंदा हो, पर सबके लिए मार्केटिंग जो है वो इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आज की तारीख में सब लोग इंटरनेट पे है, सोशल मीडिया की दुनिया में है, तो आज की तारीख में हर एक बंदा जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, उनकी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारी जो मार्केटिंग टीम है, उन्होंने जो भी कंटेंट डिज़ाइन किया है, जो भी कंटेंट रेडी किया है, उनको प्रमोट करना उनकी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जी हाँ, कई लोग ऐसा समझते हैं कि भाई मैं तो परचेस डिपार्टमेंट में हूँ, मेरा कोई भी काम नहीं है, प्रमोशन करना, मार्केटिंग करना वगैरह मेरा काम नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में चाहे आप कोई भी डेजिग्नेशन पे हो, बट आपका प्रमोशन, आपकी कंपनी का कोई भी कंटेंट मटेरियल हो, मेक श्योर कि आप अपने सोशल मीडिया के माध्यम से उसको ज़रूर प्रमोट करें। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड माय डियर फ्रेंड्स। How marketing has changed over the period part 1 में आज के लिए मैं आपको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आपकी कंपनी में कोई भी डेजिग्नेशन पे हो, मेक श्योर आप अपनी कंपनी का कॉन्टेंट ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। स्टे ट्यून्ड।